जगाया तो जिंदा लोगों को जगाया जाता है, मुर्दा लोगों को नहीं। ना है कौन जिंदा, ये डायलॉग आप समझ गए होंगे, नाना पाटेकर का है। नाना पाटेकर में कितना जोश, कितना उत्साह भरा हुआ है और उनका व्यक्तित्व देखने को बनता है। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म एक अंक में हुआ है। अधिक विलंब न करते हुए आगे चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय हमने अंक ज्योतिष पर ही लिया है। अंक ज्योतिष में मूलांक एक पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। मूलांक एक कैसे बनता है यह मैं बता देता हूँ। एक, दस, उन्नीस और 28, इनको जोड़ने पर, इन तारीखों पर जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक एक बनता है। एक अंक के व्यक्ति कौन होते हैं? एक व्यक्ति, एक अंक जो होता है उसका लॉर्डशिप सूर्य के पास है, और वैसे भी रवि प्रथम स्थान पर आता है, सूर्य प्रथम स्थान पर आता है, और अंक गणित में नंबर एक जो, नंबर वन जो आता है वो एक पे आता है। तो ऐसे व्यक्ति सूर्य से प्रभावित व्यक्तित्व वाले होते हैं। सूर्य को आप जानते हैं किस तरह अटल होता है, शासन करना जानता है। इसी तरह से ऐसे लोग जिनका मूलांक एक है और उनका जन्म होता है, तो जन्म तारीख के अनुसार वह व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति शासन करना जानते हैं, और इनकी आवाज़ में, इनके व्यक्तित्व में दमखम बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको नाना पाटेकर का दिया है। तो ऐसे व्यक्ति दूसरों पर शासन करना जानते हैं, ये किसी के अंडर में कार्य करना कतई पसंद नहीं करते हैं, और जिस क्षेत्र में ये ऐसे लोग उतर जाते हैं वहाँ धमाल ही धमाल मचा देते हैं। ऐसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति वाले हमेशा एक मंक वाले ही माने जाते हैं। तो अब ऐसे व्यक्तियों को आर्य देव, सूर्य और शिव कहलाएंगे। सूर्य यदि किसी के जॉब में परेशानी आ रही है तो वो सूर्य देवता को, रोजगार में परेशानी आए तो वो सूर्य की आराधना करें। यदि ऐसे अंक, एक अंक वाले के दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति को शिव की उपासना या शिव के उपाय करना चाहिए, तो उनको राहत मिलेगी। ऐसे तो इनका जो शुभ वार होता है रविवार और सोमवार कहलाता है। ऐसे धमाल मचाने वाले व्यक्ति बहुत दमदार, कर्मकठा और धमाल मचा देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का यदि संबंध किसी भी तरह से व्यापार में, मित्रता में या विवाह में चार और या आठ अंक वालों से इनका संबंध हो जाए तो इनको परेशानी खड़ा हो जाती है। तो ये चार और आठ अंक इनके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये चार अंक, फॉर एग्जांपल यदि कोई अहमदाबाद में रहता है और कॉलोनी यदि चार नंबर आते हैं और कॉलोनी में मकान जो अलर्ट होता है वो चार या आठ होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, ऐसे सावधान रहें। तो शुभ अंक क्या कहलाएंगे इनके लिए? शुभ अंक मेरी दृष्टि में नंबर वन, एक सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, एक सबसे सही माना जाएगा। उसके बाद में साधारण जो आता है, मध्यम जो आता है, एक दो तीन और छः और नौ, ये साधारण या मध्यम कह जा सकते हैं इसमें, क्योंकि एक अंक यदि नहीं मिलता है तो एक दो तीन छः और नौ, इन पर वह आदमी या ऐसे अंक वाले आप आराम से चयन कर सकते हैं। शत्रुता जो है चार और आठ बता दी मैंने आपको, इनके आराध्य देव जो हैं सूर्य और रवि हैं, विष्णु और शिव की इनको उपासना करनी चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ही शुभ जो रंग है इनका, शुभ रंग इनका रंग जो है पीला रंग कहलाएगा। पीला रंग इतना ज़्यादा उपयोग करेंगे इनके फायदा ही फायदा रहेगा। अगला यदि आपकी रुचि रही तो कर्म वाइज अंक एक के बाद में दो तीन लास्ट में नौ अंक तक में आपके चर्चा करूँगा, किस तरह से रोजगार पाया जा सकता है, क्या रोग हो सकते हैं, आगे संभावना क्या हो सकती है, सारी जानकारी अगले वीडियो में देता हूँ। जय श्री कृष्ण।